इस बहुत बड़ी विजयी संकल्प सभा में संबोधन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी पासवान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन भाई जी गडकरी, यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, न तो मैं गुजरात का मतदाता हूँ और आज यहाँ पर हमारे अमित भाई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, न तो उसका मैं प्रस्तावक हूँ और न तो समर्थक हूँ, फिर भी मैंने फैसला किया कि यदि अमित भाई शाह यदि अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो उस अवसर पर मैं निश्चित रूप से मौजूद रहूंगा और इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस अवसर पर मौजूद रहने का फैसला मैंने इसलिए किया कि मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था और हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस देश में चुनाव लड़े थे और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बावजूद हम लोगों ने सारे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलजुल कर यह सरकार बनाई। इसलिए आज के अवसर पर मैं वही शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर अमित भाई शाह के लिए आया हूं कि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यहां से हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे, लंबे समय तक उन्होंने अपना पार्टी का मार्गदर्शन किया है, एक कद्दावर नेता हैं, उनका उत्तराधिकार संभालने यदि कोई जा रहा है तो हमारे अमित भाई शाह उनका उत्तराधिकार संभालने जा रहे हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी इस गुजरात की जनता, इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता हमारे अमित भाई शाह को अपना भरपूर आशीर्वाद देगी, भरपूर आशीर्वाद देगी ताकि वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर वह भारत की संसद में पहुंचे। बहनों भाइयों, 5 वर्षों तक हम लोगों की सरकार चली है, मैं विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यदि करिश्माई काम करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज के 5 साल पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो भारत दुनिया में गरीब देशों की कतार में खड़ा हुआ दिखाई देता था, लोग यह मानते थे कि यह तो बहुत कमजोर देश है, गरीब देश है, बेरोजगारों का देश है, यह धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, हम सबको सचमुच बधाई देनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने 5 वर्षों के अंदर एक ऐसा करिश्माई काम किया है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करता है कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश यह भारत की है। बहनों भाइयों, यह सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत 2014 के पहले दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 9वें स्थान पर था, वह भारत 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 6th पोजीशन पर आ गया है, जिसकी रैंकिंग 6th आज हो गई है। और इसी वित्तीय वर्ष में यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 में 5वें पायदान पर खड़ा होगा, यह हम सबके लिए गौरव की बात होगी। और आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं है बहनों भाइयों कि 2028 आते आते यही हमारा भारत रूस, चाइना, अमेरिका जो यह दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं, इनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है,
कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? सभी इस सच्चाई को मानते हैं, सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत का नेतृत्व इस समय सशक्त हाथों में है, बलवान हाथों में इस समय भारत का नेतृत्व है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे विरोधी दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब शब्दों का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में करते हैं। बहनों भाइयों, आपसे नहीं बल्कि सभा के माध्यम से समस्त देशवासियों से, देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, जिसने देश की प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी राष्ट्रीय ऐसी राजनीतिक पार्टी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए इस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। जीवट के साथ पुरजोर तरीके से आप सभी कार्यकर्ताओं को, बहनों भाइयों, अपना एक महीने डेढ़ महीने सारा काम काज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को और अपनी एनडीए को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए हम सभी को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिस प्रधानमंत्री ने ऐसी सरकार चलाई हो कि बहनों भाइयों, उसके पहले भी आपने कांग्रेस की सरकारों को देखा है, लेकिन 5 वर्षों में कोई भी मां का लाल, चाहे वह भारत का रहा हो अथवा दुनिया का रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। और यह राहुल गांधी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं और नौजवानों आपसे भी कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर बोलो, चौकीदार चोर नहीं है बल्कि चौकीदार प्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि चौकीदार चोर नहीं है बल्कि दोबारा पीएम बनना श्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि भारत की समस्याओं का समाधान भी श्योर है। डंके की चोट पर बोलो, सारी समाधान, सारी समस्याओं का वही क्योर है। यह विश्वास लेकर हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक बहनों भाइयों, जो कुछ भी बालाकोट में हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसको लेकर भी राजनीति की जा रही है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका श्रेय क्यों दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, भूल गए वो 1971 जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और भारत की बहादुर सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान बन गया था और बांग्लादेश बन गया था। उस समय भारत की संसद में खड़े होकर हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी की सराहना की थी और सारा हिंदुस्तान उस समय इंदिरा गांधी का जय जयकार कर रहा था, इंदिरा गांधी जिंदाबाद का नारा दे रहा था। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर फिदाइन हमला करके 40-42 जवानों की को मारा गया था, यदि उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर जो काम किया है बहनों भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री का जयकारा क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी सराहना क्यों नहीं होना चाहिए, इस सवाल का मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाई, जब भी हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसके लिए आवश्यक होता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है और जो सत्ता का मुखिया है, वह अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे। 26/11/2008 का जो मुंबई का कांड हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ उस समय नहीं कर पाए, जबकि बड़ी संख्या में लोग हमारे मुंबई में 26/11/2008 के आतंकवादी आक्रमण में मारे गए थे, कुछ नहीं किया। राजनीतिक शक्ति और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम दोनों ताल से ताल मिलाकर चलते हैं बहनों भाइयों, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती है। यह बात मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं। और यहां से लेकर वहां तक जितने भी आप सब खड़े हैं और यहां भी खड़े हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं
कि हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। इसलिए आप लोगों के द्वारा भी एक बार हाथ उठाकर बहनों भाइयों अपने सेना और के शौर्य सेना के जवानों के और शौर्य पराक्रम का अभिनंदन किया जाना चाहिए। आप सबसे भी कहना चाहता हूं एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मित्रों यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अंतिम अपील आप लोगों से यही करूंगा कि आदरणीय अमित भाई शाह ने करिश्माई काम इन्होंने भी संगठन में किया है। मैं जानता हूं 5.5 वर्षों तक मैंने भी संगठन चलाया है लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया सचमुच वह अमित भाई शाह ने अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में करके दिखाया है। पहली बार आज हम सभी कार्यकर्ता अपना सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे बहनों भाइयों भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यदि कोई बन गई है तो हमारी और आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बन गई है बहनों भाई। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है बहनों भाइयों। हमारे लिए अलायंस हमारे लिए गठबंधन या कंपल्सन नहीं है बल्कि गठबंधन हमारा कमिटमेंट है हमारी प्रतिबद्धता है। हम अपने सारे सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे बहनों भाइयों। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरी ताकत लगाइए और हमारे अमित भाई शाह जो यहां से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हुए हैं उन्हें भारी मतों से जिताकर भारत की संसद में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अमित भाई शाह को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।